नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल श्वेता कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल चटपटी टेस्टी चाट की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया था 1 कप काबली चना, जो अभी फूलकर 2 कप के करीब में हो गया है। इसे मैंने 8-10 घंटे के लिए पानी में भिंगो कर रख दिया था। और इसमें 2 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डालकर इसे उबाल लेंगे। और इसमें मैंने बहुत सीटी लेना है, 4-5 सीटी लगाया है। काबली चना को हमें ऐसे ही उबालना है, बहुत हलवा की तरह नहीं बनाना है। इसे चाट के लिए हमें ऐसे ही काबली चना चाहिए। इसको मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए, इसमें पानी नहीं है, मैंने बहुत ही अंदाज से पानी डाला था। उसके बाद यहाँ हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल के हल्का गर्म होते ही 1 चम्मच के करीब में जीरा डाल देंगे। जीरा के चटकते ही 2 प्याज मैंने यहाँ कट करके लिया है, उसे डाल देंगे। प्याज को 1-2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें मिलाएंगे 1 कटा हुआ टमाटर, और टमाटर को तब तक हम भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब में लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसाले में मैंने यहाँ पे लिया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच के करीब में नमक, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मसालों को यहाँ मैंने 5 मिनट के करीब में अच्छे से भूनना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये बॉयल किया हुआ काबुली चना, और इसे भी डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। काबुली चना डालकर हमें बहुत नहीं भूनना है, क्योंकि काबली चना को पहले से ही तो हमने बॉयल करके रखा था। और इसमें डालेंगे हम 2 ग्लास के करीब में पानी, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढककर 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। और तब तक चलिए आलू की टिक्की की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 आलू। आलू को पहले से ही मैंने बॉयल करके रख लिया था, अब इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाला। मसाले में मैंने यहाँ पे लिया थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, और कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता। और इसे बाइंड करने के लिए हम इसमें डालेंगे यहाँ पे 4 चम्मच के करीब में चावल का आटा। आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर या मैदा डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिला लें। इन सबको हम बिना पानी के ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका हम टिक्की बना लेंगे। टिक्की आप अपने पसंद के अनुसार बनाएं, छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज का टिक्की बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। मैंने यहाँ पे इतने से आलू से 5 टिक्की तैयार किया है। और चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तब तक हम अपने छोले को भी देख लेते हैं। छोला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। चाट के लिए हमें ऐसे ही छोले की ज़रूरत है। इसे अब हम दूसरी तरफ रख देते हैं। और यहाँ पे एक पैन लेके उसमें तेल डालेंगे, तेल को हल्का गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टिक्की। टिक्की को भी हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। बहुत तेज़ होने से क्या होगा ना कि ऊपर ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा टाइप का रह जाएगा, गीला गीला। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही 5-7 मिनट के लिए अच्छे से उलट पलट के पका लें। और ये हमारा टिक्की तैयार हो गया, इसे मैं निकाल लेती हूँ। और चलिए अब चाट बनाकर हम सर्व कर लें। इन सबको मैं टेबल पे लगा लेती हूँ। तो चाट के लिए सबसे पहले डालेंगे प्लेट में हम टिक्की, उस पर से छोला,
और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो शेयर भी करें। उसके बाद इसमें डालेंगे दही, दही आप फ्रेश ही डालें क्योंकि खट्टी दही से ना चाट हमारा का चाट का टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा, इससे दही हमेशा फ्रेश ही डालें। उसके बाद ये धनिया पत्ती की चटनी मैंने बनाई है, ये चटनी डाल लेंगे। उसके बाद खट्टी इमली का पानी और ये मीठा चटनी इमली का, उसे डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़े से धनिया पत्ता, थोड़ा सा हरी मिर्ची डालकर इसे हम डेकोरेट कर लेंगे और ऊपर से छोटा पतला वाला सेव जो आता है चाट के लिए उसे डाल देंगे। और देखिए इस तरह हमारे टेस्टी टेस्टी चाट की रेसिपी तैयार है। दोस्तों देखा ना आपने, ये कितनी आसानी से बन गया, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी।